तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने एक हैवी डिमांड करी थी कि तीन फोन का कंपैरिजन करो। एक है iQOO 9 Pro नथिंग फोन 2 और थर्ड फोन है OnePlus 12R। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तीनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइस से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर iQOO का और नथिंग का प्राइस 37,000 रुपीज है, लेकिन OnePlus 12R का प्राइस है 40,000 रुपए। और तीनों पर अगर डिस्काउंट भी देखो ना तो भी OnePlus 3-4,000 रुपए महंगा ही पड़ता है। तो हम आज बात करेंगे कि क्या OnePlus वर्थ है 4,000 रुपए या हमें iQOO या नथिंग पे स्विच कर देना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपके सारे डाउट क्लियर हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले। और कमेंट में बताना कि आपका पर्सनल फेवरेट फोन कौन सा है तीनों में। अभी देखो तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है परफॉर्मेंस। यहाँ पर जो प्रोसेसर है iQOO के अंदर और OnePlus के अंदर वो सेम है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। लेकिन जो नथिंग है इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर। तो मेरे को जानना था तीनों में से कौन ज्यादा बेटर स्कोर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एंटूटू रन कराया, बैकग्राउंड ऐप रिमूव करके फुल ब्राइटनेस पे तीनों फोन करे और टेम्परेचर भी तीनों का लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था। तो तीनों में सेम टाइम पे स्टार्ट करती हमने देखा भाई iQOO की स्पीड सबसे फास्ट थी, मतलब ये प्रोसेसिंग सबसे तेज कर रहा था। और वहीं पर OnePlus की जो ब्राइटनेस थी तीनों ही फोन में सबसे ज्यादा निकल कर आई। बाकी यहाँ पर तीनों में ही एंड होते होते किसी ने भी मेजर ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करा। और स्कोर सबसे पहले आया iQOO के अंदर, यहाँ पर 1.6 मिलियन के आसपास इसका स्कोर था और यहाँ पर टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस था, तो इतना नहीं बढ़ा। उसके बाद नथिंग का भाई स्कोर आया, इस चीज को देख के मैं थोड़ा सा शॉक हुआ क्योंकि नथिंग के अंदर प्रोसेसर इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे है। और यहाँ पर जो नथिंग का स्कोर है 1.1 मिलियन आया और जो इसका टेम्परेचर था वो 39 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिला। बाकी यहाँ पर सबसे एंड में जो स्कोर आया वो OnePlus के अंदर था और इसका स्कोर था 1.3 मिलियन और इसका टेम्परेचर 40.3 डिग्री था, तो टेम्परेचर इतना राइज नहीं करा। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई एंटूटू की। इसके अलावा मेरे को ये जानना था भाई कौन अच्छे से गेमिंग परफॉर्मेंस को हैंडल करेगा। तो इसके लिए हमारा एक ही फेवरेट टेस्ट है, वो है 3D Mark, वो भी 4K में। हमने भाई तीनों के अंदर डाउनलोड करा, पहले ठंडे कर लिए थे फोन ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर पे, बाकी फुल ब्राइटनेस करके बैकग्राउंड ऐप रिमूव करके हमने स्टार्ट करा और यहाँ पर OnePlus के अंदर सबसे अच्छे फ्रेम्स देखने के लिए मिले। और यहाँ पर एंड होते होते जो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस ड्रॉप करी वो OnePlus ने करी, लेकिन OnePlus की जो स्टेबिलिटी थी वो सबसे बेहतर थी। 67% की यहाँ पर स्टेबिलिटी थी और फ्रेम रेट्स भी इसके सबसे बेहतर थे, बट इसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा था। यहाँ पर इसका टेम्परेचर था 48 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये हाई टेम्परेचर करने के बाद भी जो कंसिस्टेंसी है तीनों फोनों में सबसे बेहतर शो करता है, क्योंकि iQOO की जो कंसिस्टेंसी थी वो थी 65.6% की और इसका जो टेम्परेचर था वो था 44 डिग्री सेल्सियस। और नथिंग की जो कंसिस्टेंसी थी वो 46.6 थी, जो कि इन तीनों ही फोन में सबसे कम है, लेकिन इसकी जो हीटिंग थी वो सबसे कंट्रोल थी, क्योंकि ये 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ना लॉक कर लेता अपनी ब्राइटनेस को कम करके ज्यादा करके, मतलब परफॉर्मेंस में आपको कमी दे देगा लेकिन हीट नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई ऑन पेपर की, लेकिन रियलिटी के अंदर जब आप गेमिंग करोगे कौन अच्छे से हैंडल करेगा। तो अगर आप जिनशिन इंपैक्ट जैसे हैवी गेम खेलते हो ना तो इनमें सेटिंग्स तीनों में सेम मिलती है, लेकिन अगर स्मूथनेस की बात करूं तो तीनों में सेम टाइम खेलने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि जैसे हमें रिजल्ट के अंदर मिला था ना 3D Mark में भी स्टेबिलिटी OnePlus की सबसे अच्छी थी, तो यहां पर गेम प्ले भी OnePlus का सबसे बेहतर था। मतलब अगर आप स्टार्टिंग के 10-15 मिनट गेम खेलोगे तो ऑलमोस्ट लग सकता है आपको तीनों में सेम लगे, लेकिन अगर आप आधे से एक घंटे गेम प्ले करोगे ना तो वहां पर जब फोन वॉर्म होते हैं उसके बाद पता लगेगा कि OnePlus की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी थी और OnePlus ही सबसे ज्यादा वॉर्म होता है तीनों फोनों के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर आप BGMI जैसे गेम खेलना चाहते हो तो OnePlus और iQOO के अंदर 90 FPS तक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन Nothing के अंदर अभी 90 FPS का ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर गेम प्ले की बात करें तो यहाँ पर फिर से मेरे को OnePlus बेटर लगा है और गेम मोड वगैरह सब लगा लिया था हमने उसके बाद भी, लेकिन iQOO के पास यहाँ पर खासियत ये मिल जाएगी कि इसके अंदर Q1 चिप है जिसकी वजह से आप फ्रेम इंटरपोलेशन कर सकते हो, मतलब 144 FPS तक आप BGMI जैसे गेम को प्ले कर सकते हो। तो उसे लगाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा गेम प्ले बेटर हो जाता है और इसमें आपको डिस्प्ले एनहेंसमेंट का भी ऑप्शन मिलता है जिसको ऑन करने के बाद आप गेमिंग के अंदर रेजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर भाई उसके बाद ये बेटर हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मैंने जितना गेम प्ले करा मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों ही फोन में OnePlus का फोन आपको सबसे बेहतर गेमिंग देगा। बाकी देखो तीनों के अंदर ही प्रोसेसर तगड़ा मिलता है तो नॉर्मल यूजेज तीनों फोनों की ठीक है, लेकिन मैंने जितना देखा ना हर किसी के UI में थोड़ी बहुत दिक्कत है। जैसे iQOO कोई देखो 37,000 रुपीज में इतनी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है जो कि नथिंग और OnePlus जैसी कंपनी नहीं दे रही है, तो ये थोड़ा सा चीप सा एक्सपीरियंस देता है। बाकी यहाँ पर एनिमेशन वगैरह तो इसकी स्मूथ है, लेकिन इसके अंदर कुछ बग्स हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल से आप ऐप ड्रॉअर में जाना चाहोगे तो काफी बार नोटिफिकेशन पैनल ही ओपन हो जाता है और एंड्रॉइड ऑटो के साथ तो ये फोन हैंग ही हो लेता है। बाकी नथिंग के साथ सीन ये, अगर आप कोई हैवी एप्लीकेशन चलाने के बाद इसकी सेटिंग्स को भी ओपन करोगे ना तो जिटरिंग मिलती है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं मिलता 37,000 वाले फोन का। वहीं पर OnePlus का जो UI है भाई मेरे को काफी सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो कंसिस्टेंसी बेटर है, आप कितनी भी हैवी ऐप ओपन करने के बाद सेटिंग्स वगैरह ओपन कर लो बढ़िया चलता है। तो यहाँ पर मेरे को OnePlus का UI सबसे बढ़िया लगा।
होगा, लेकिन कस्टमाइजेशन की बात कर लें तो आईक्यू के पास कस्टमाइजेशन आई थिंक सबसे ज्यादा मिलती है, बिकॉज यहां पर आपको फिंगरप्रिंट की काफी सारी एनिमेशन मिलती है, फेस आईडी की मिलती है, बैटरी चार्जिंग की मिलती है, तो इसके पास टन्स ऑफ एनिमेशन है कस्टमाइज करने के लिए। वहीं पर वन प्लस के अंदर भी कस्टमाइजेशन है, लेकिन यहां पर लिमिटेड कस्टमाइजेशन है, बट मेरे को इसका एओडी काफी अच्छा लगता है, खास करके कैनवास वाला। बाकी नथिंग के पास तो मैंने बताया था कि आप ऐप ड्रॉअर के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो, आइकन्स को मोनोक्रोम या कलरफुल कर सकते हो, वो तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर अपनी अपनी कस्टमाइजेशन मिल जाती है तीनों ही फोन के अंदर। बाकी 120 हर्ट्ज के पैनल का थोड़ा बता देता हूं, तो तीनों के पास LTPO पैनल है, बट जो वन प्लस है ना इसके पास LTPO 4 पैनल है, जिसकी वजह से जब आप तीनों ही फोन को ऑटो रिफ्रेश रेट पे चलाओगे ना, तो यहां पर 1 टू 120 हर्ट्ज वन प्लस सबसे ज्यादा तेजी से स्विच करता है, और नथिंग सिर्फ 10 टू 120 हर्ट्ज में स्विच करता है, 1 हर्ट्ज पे नहीं जाता। और वन प्लस के पास एक चीज क्लियर कर दूं कि ऑटो रिफ्रेश रेट जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर हाई पे लगा के रखोगे ना, जब ये 1 टू 120 हर्ट्ज स्विच करता है, और आप किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो कि किस एप्लीकेशन को आपको 120 हर्ट्ज में चलाना है। और अपडेट पॉलिसी एक ऐसी चीज है जहां पर वन प्लस फिर से आगे हो जाता है, क्योंकि नथिंग और आईक्यू के पास 3 साल की मेजर अपडेट मिलेगी, 4 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा, वहीं पर जो वन प्लस है इसके पास 5 साल तक की आपको सिक्योरिटी पैच मिलेगा और 4 साल की मेजर अपडेट। तो इसमें भी भाई वन प्लस अपने यूआई की तरह बेहतर हो जाता है। और कुल मिलाकर अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो यूआई के साथ मेरे को ज्यादा बेटर भाई वन प्लस ही लगा, क्योंकि जब आप फोन को चलाओगे ना, तो वन प्लस के अंदर जगह जगह छोटे छोटे टच दिए, जैसे कि जगह जगह आपको हैप्टिक्स मिल जाते हैं, ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, स्मूथनेस अच्छी है। तो तीनों ही फोन में जो मेरे को नॉर्मल टू हैवी यूजेज में फोन अच्छा लगा वो वन प्लस है। अब बात करते हैं तीनों के कैमरास की। तो यहां पर वन प्लस के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का भाई यूजलेस मैक्रो कैमरा सेटअप। और वहीं पर जो आईक्यू है इसके पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और नथिंग के अंदर 50 मेगापिक्सल का ही मेन है और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड है। बाकी फ्रंट कैमरा पर चलें तो आईक्यू और वन प्लस के पास 16 मेगापिक्सल का, और नथिंग के पास 32 मेगापिक्सल का कैमरा। यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं ना, तो नथिंग के पास एडवांटेज ये मिलती है कि आप 4K 60fps तक फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके पास डेप्थ सबसे अच्छी थी, लाइट कंट्रोल अच्छा था, लेकिन यहां पर जैसे आप अपोजिट लाइट जाते हो थोड़ा सा ना डायनेमिक रेंज गड़बड़ा देता है वीडियो की। बाकी यहां पर सबसे अच्छी लाइट कंट्रोल यही करता है, और जो स्टेबिलिटी है वो भी नथिंग ही अच्छी है। तो फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में नथिंग सबसे बढ़िया है, और इसी तरीके से बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में भी। यहां पर अगर आपको थोड़े से न्यूट्रल कलर पसंद है ना और स्टेबिलाइजेशन बेहतर चाहिए, तो मैं कहूंगा नथिंग की तरफ जाना, क्योंकि इसका लाइट कंट्रोल स्किन टोन भाई नेक्स्ट लेवल है इस प्राइस रेंज में मिलने वाले फोनों के अंदर। इसे आप ऐसे मान सकते हो कि 40,000 की रेंज में एंड्रॉइड का आईफोन आपको दे रहा है नथिंग वीडियो के लिए। बाकी फोटो पर चलते हैं आप, तो फोटो के अंदर फ्रंट कैमरे में जितना मैंने देखा, मुझे पर्सनली जो स्किन टोन है शेडो के अंदर वो आईक्यू का अच्छा लगा, लेकिन जैसे आप डायरेक्ट लाइट में आते हो तो आईक्यू थोड़ा सा अजीब कर देता है स्किन टोन। और वन प्लस तो भाई आउट ही है, क्योंकि टी शर्ट का कलर सबसे बेकार इसी ने दिखाया, ऐसे लग रहा है टी शर्ट फेड हो गई हो। बाकी यहाँ पर सबसे अच्छे कलर्स दिखाए इसमें नथिंग ने, और डिटेल्स आईक्यू के पास सबसे बेहतर है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी नथिंग ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, और अगर आप शेडो के अंदर हो तो डायनेमिक रेंज यहाँ पर सबसे बढ़िया HDR हिट करता है आईक्यू। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी सेम सीन देखने के लिए मिला हमें, सबसे अच्छा लाइट कंट्रोल यहाँ पर आपको आईक्यू के अंदर मिलता है, और ज़्यादा अच्छी डायनेमिक रेंज भी हिट करता है। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर मेरे को अगेन पोर्ट्रेट मोड में नथिंग सबसे अच्छा लगा है। बाकी अपोजिट लाइट में यहाँ पर आईक्यू सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से अपने सॉफ्टवेयर के साथ ना एक्सपोजर को कंट्रोल कर लेता है फ्रंट कैमरे में, और वन प्लस तो भाई बहुत ही ज़्यादा अजीब परफॉर्म करता है फ्रंट कैमरे में। बाकी बैक कैमरे की बात करी जाए तो यहाँ पर भाई बैक कैमरे में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट कलर नथिंग उठाता है, लेकिन सबसे बढ़िया डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लाइट कंट्रोल आपको वन प्लस के अंदर मिलता है, और आईक्यू बीच में कहीं परफॉर्म करता है। और अपोजिट लाइट में आईक्यू बहुत ज्यादा चमका देता है, और इसके अंदर ना फ्लेयर्स भी मिलते हैं रेड कलर के, लेकिन डिटेल सबसे बढ़िया आपको मिलती है आईक्यू के पास ही। यहां पर सबसे बैलेंस परफॉर्म करता हुआ देखा मैंने नथिंग। इसके अलावा पोर्ट्रेट फोटो की बात करें तो यहां पर हो सकता है आपको आईक्यू पसंद आए, वन प्लस पसंद आए, अगर आपको थोड़ा सा गोरा होना पसंद है तो इनकी तरफ जा सकते हो, लेकिन सबसे बैलेंस कलर इस सिचुएशन के अंदर नथिंग ने दिखाए हुए हैं, लेकिन नथिंग गड़बड़ा जाता है जैसे आप प्रॉपर शैडो में आते हो, उस टाइम पे मेरे को सबसे बैलेंस भाई वन प्लस लगा है, क्योंकि आईक्यू ने भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट इसी कर दिया फोटो, तो इस सीन में वन प्लस बेटर है। और नथिंग के साथ एक सीन हो रहा है, अगर आप डायरेक्ट लाइट के अंदर हो ना तो काफी बार ये पोर्ट्रेट मोड में फोकस लेता ही नहीं है सब्जेक्ट पर, और अपोजिट लाइट के अंदर अगर आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करोगे तीनों ही वाहियात परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आईक्यू तो इतना गोरा कर देता है, इतना तो मैं हूं भी नहीं जितना मैंने देखा, और वन प्लस थोड़ा सा बीच में है, और नथिंग बहुत ज्यादा काला कर देता है। तो ये सीन है यहाँ पर बैक कैमरा के साथ। अब यहाँ पर जो नथिंग है और आईक्यू है इसके पास फायदा यह है कि 2x पोर्ट्रेट में भी आप फोटो क्लिक कर सकते हो,
और उसके अंदर मेरे को ज्यादा टाइम पर जो कलर्स हैं वो IQ के बेहतर लगे हैं, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से सिनेमैटिक एक इफेक्ट देता है फोटो के अंदर। लेकिन कलर्स जो है मुझे किसी की सिचुएशन में नथिंग के भी पर्सनली अच्छे लगे हैं। बाकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस जितना हमने देखा भाई, IQ अनबीटेबल है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन अगर आप इंडोर फोटो क्लिक करते हो और आपका नाइट मोड लग जाता है तो उस टाइम पे IQ सबसे बेकार फोटो देता है, काफी कॉन्ट्रास्ट ही, तो उस सिचुएशन के अंदर सबसे बैलेंस नथिंग परफॉर्म करता है। और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो इसके अंदर मैंने जितना देखा भाई, OnePlus सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। तो जितनी हमने फोटो वीडियो चेक करी है, मैं ये कह सकता हूँ अगर आपका वीडियो से काम है तो सीधा कहा जा सकता है कि आप नथिंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फोटोज क्लिक करना ज्यादा पसंद है तो नथिंग या IQ में से आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी फोन पिक कर सकते हो। तो कैमरे में तो OnePlus कहीं नहीं है, लेकिन फिर से एक ऐसा सेगमेंट आता है जहां पर OnePlus फिर से आगे हो जाता है, वो है डिस्प्ले। यहां पर तीनों के अंदर LTPO पैनल है, लेकिन जो OnePlus है इसके पास LTPO 4 पैनल है। बाकी IQ और OnePlus की डिस्प्ले 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है, नथिंग की सिर्फ फुल HD प्लस डिस्प्ले है। और OnePlus के पास Victus 2 की प्रोटेक्शन है, नथिंग के पास कॉर्निंग ग्लास है, और IQ ने रिवील ही नहीं करा कि कौन सा ग्लास यूज इन्होंने करा है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो IQ की डिस्प्ले HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है, 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट शो कर सकते हैं, और गेमिंग आप इसके अंदर 144 हर्ट्ज में कर सकते हो फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन करके। और OnePlus की डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, काफी अच्छे से वर्क करता है, HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है, और डॉल्बी विजन में भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। और नथिंग की डिस्प्ले सिर्फ HDR 10 सर्टिफाइड और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो ऑन पेपर तीनों में सबसे वीक डिस्प्ले मिलती है नथिंग के पास, और सबसे स्ट्रॉन्ग मिलती है OnePlus के पास। यहां तक कि जब आप तीनों के अंदर HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो पीक ब्राइटनेस सबसे ज्यादा उस टाइम पे OnePlus के पास है 4500 निट्स की, और IQ के पास 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब ये काम कैसे करते हैं, जब भी आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो ब्राइट पार्ट को कुछ सेकंड तक OnePlus 4500 निट्स पे दिखाएगा और IQ 3000 निट्स पे, और वहीं पर नथिंग सिर्फ 1600 निट्स पे दिखाने वाला है। तो इसका रिजल्ट मिलता है जब आप HDR कंटेंट देख रहे हो तो OnePlus सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले और कलर्स भी इसके सबसे बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी यहाँ पर जो OnePlus की डिस्प्ले है वो इंडोर आउटडोर चलाते हो सबसे ज्यादा ब्राइट भी मैंने नोट करी है। इसके अलावा जो बेजल चिन्ह है IQ ने भी काफी कम करे, लेकिन OnePlus के पास कर्व डिस्प्ले होने की वजह से भाई इसके बेजल साइड साइड के फील ही नहीं होते, और टॉप बेजल और चिन्ह IQ के बराबर की है। और सबसे वर्स्ट जो आपको बेजल चिन्ह मिलते हैं वो नथिंग के पास है, भले ही सिमेट्रिकल। अभी यहां पर जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, डिस्प्ले को सीधा बोला जा सकता है कि OnePlus की डिस्प्ले ज्यादा प्रीमियम फील होती है और ज्यादा बेहतर आपको ब्राइटनेस मिलती है इसके पास। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तीनों ही फोन के पास है, सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेट OnePlus का है। और OnePlus की मेरे को एक खास बात और लगी, जैसे कि IQ के अंदर और नथिंग के अंदर थोड़ा नीचे है ना फिंगरप्रिंट सेंसर, OnePlus के अंदर इसकी पोजीशन भी सबसे अच्छी है। अब तुम लोग कहोगे यार OnePlus तेरा ज्यादा नहीं हो रहा, तो ये वाली चीज तुम खुद सुनो। तो यहाँ पर स्पीकर्स में भी OnePlus सबसे अच्छा निकल कर आता है। IQ के पास आपको लाउडनेस ज्यादा मिलती है और नथिंग के पास आपको एक बैलेंस साउंड मिलती है, लेकिन वहां पर लाउडनेस कम है। लेकिन OnePlus इन दोनों ही चीज का मिश्रण देता है, तो यहाँ पर OnePlus के स्पीकर सबसे बेस्ट है और हैप्टिक्स भी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड हैप्टिक है हर एक जगह पर। आप चाहे ब्राइटनेस अप कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, या वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हो, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो टच है ना OnePlus का एक्सपीरियंस थोड़ा प्रीमियम कर देते हैं। बाकी जैसे कि कर्व पैनल मिलता है आपको OnePlus में, इसी वजह से जो इन हैंड फील है भाई वो भी OnePlus की ज्यादा प्रीमियम है। अब फोन देखने में हो सकता है आपको IQ अच्छा लगे, मुझे भी पर्सनली यही फोन अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हाथ में फोन पकड़ते हैं ना तो ये लगता ही नहीं है कि आप 37,000 रुपीज पे कर रहे हो, ये भाई ऐसे लगता है 20-25,000 वाला फोन चला रहे हो। लेकिन OnePlus पूरी फील देता है कि आप भाई हाँ एक प्रीमियम और एक फ्लैगशिप काइंड ऑफ फोन चला रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कर्व पैनल है, बैक में ग्लास है, और ये Victus ग्लास यूज करा है इन्होंने फ्रंट बैक में, फ्रंट में Victus 2 है, बैक में Victus है। और वहीं पर जो IQ है इसके ये वाले मॉडल के अंदर तो आपको प्लास्टिक मिलते हैं, लेकिन ब्लैक में आपको ग्लास मिलता है। बट इतना है कि कर्व की वजह से जो ग्रिप आपको OnePlus ऑफर कर रहा है वो इन दोनों ही फोनों में नहीं मिलती है। और IQ इसलिए भी चीप फील होता है क्योंकि इसके पास प्लास्टिक फ्रेम है, बाकी के जो दोनों फोन है ना इनके पास मेटल फ्रेम है। अब भाई OnePlus के पास एक और चीज तगड़ी है, वो है बैटरी कैपेसिटी। इसके पास 5500 mAh की बैटरी मिलती है, इसे बैटर कहें तो ज्यादा बेहतर है, और IQ के पास 5160 mAh की बैटरी है। नथिंग के पास मिलती है सिर्फ 4700 mAh की बैटरी। और नथिंग के पास एक डिसएडवांटेज और है, एक तो यहां पर भाई बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता, और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ 45 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है इस फोन के साथ।
जो कि इस फोन को चार्ज करने में सदियां लगा देती है। हालांकि इस फोन के साथ आपको वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर मिलते हैं। वहीं पर जो आईक्यू है ये मिलता है 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ, और जो वन प्लस है ये 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ है। अब सुनते ही लगेगा भाई, एक तो बैटरी कम एमएच की मिलती है आईक्यू के पास और ज्यादा वोल्ट की चार्जिंग है तो आईक्यू जल्दी चार्ज होगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया रियलमी वन प्लस और जो ओप्पो है इनकी जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। कम वोल्ट की देने के बाद भी तेजी से चार्ज करते हैं, यहाँ पर 2 मिनट पहले चार्ज हो जाता है वन प्लस का फोन 100 वोल्ट की चार्जिंग के साथ भी। और वन प्लस के पास जैसे कि कम ब्लॉटवेयर है तो फोन बैकग्राउंड थ्रेड रन नहीं कराता, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप भाई इन तीनों ही फोन में सबसे बेहतर वन प्लस का ही। तो जितना हमने तीनों फोनों को पिछले 2 दिनों में टेस्ट कराया, मैं ये तो कह सकता हूँ सिर्फ वन प्लस के भाई कैमरा अच्छे नहीं है तीनों ही फोन के अंदर। बाकी अगर आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए ना, चाहे डिस्प्ले हो, यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो, सॉफ्टवेयर अपडेट हो, स्पीकर्स हो और बैटरी बैकअप हो, उसमें वन प्लस से बेहतर कोई फोन नहीं है इन तीनों के अंदर ही। तो यहाँ पर आपको देखना, अगर आपका मेन काम कैमरा से है तो बाकी के दो फोन देख सकते हो, लेकिन अगर आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो वन प्लस एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। और जो आप एक्स्ट्रा पैसे डालोगे ना, मेरे को लगता है वो लंबे टाइम बाद भी आपको चुभेंगे नहीं वन प्लस के अंदर। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। बाकी आप बताना आपको तीनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन माय गाइस फॉर टू वॉच योर हार्ट टू स्टे इन विद एचएफबी एंड फॉक्स गाइस, बाय।